सब्सक्राइब कीजिए दैनिक इंडिया दर्पण चैनल को और बेल आइकन दबाइए अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मुजफ्फरपुर बालिका गृह केस के सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने यह चार्जशीट पॉस्को कोर्ट में दाखिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। शाम 4:10 पर देश के 35वें संचार सैटेलाइट GSAT-7A को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। दिल्ली में अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना के दूसरे चरण में देरी पर संसद की लोक लेखा समिति ने नाराजगी व्यक्त करते हुए गृह मंत्रालय से इस तरह की योजनाओं के लिए निगरानी तंत्र बनाने की सिफारिश की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के एक मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम जारी समन बुधवार को रद्द कर दिए। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने ईरानी के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन फार्मेसियों द्वारा खुली बिक्री या डॉक्टरों के सुझाव पर दी जाने वाली दवाओं की बिक्री पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि इस संबंध में नियम नहीं बन जाते। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को मामले की जांच अधिकारी के सामने पेश होकर धन संशोधन रोकथाम कानून के तहत बयान दर्ज कराने को कहा गया था। विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा ने सरोगेसी विधेयक को मंजूरी दे दी। क्रिसमस त्योहार को लेकर 24 और 26 दिसंबर को राज्यसभा में अवकाश रहेगा जबकि 25 दिसंबर को पहले ही अवकाश घोषित है। अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट की बैठक में फेज 4 के सभी 4 कॉरिडोर के लिए मंजूरी दे दी है। इस रूट की लंबाई 103 किलोमीटर होगी जिसमें कुल 79 नए स्टेशन होंगे। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि IGI एयरपोर्ट देश का व्यस्ततम एयरपोर्ट है। यहां रोजाना 2.25 लाख देशी विदेशी यात्री पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई फैसिलिटेशन कियोस्क और प्रवाही योजना से यात्रियों को खासा लाभ होगा। ये है DID में खबरें अब तक। इंतजार कीजिए कल तक।